वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विपक्षी नेता अमीर रावत ने पदाधिकारियों को उनकी गाड़ी की सुविधा तथा चाय नाश्ते की सुविधा वापस लेने की मांग करते हुए तमाम को लीगल नोटिस दी गई है, जिसके साथ ये तमाम सुविधा वापस लेने की मांग करते हुए जीपीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने के भी आरोप लगाए गए। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की विपक्षी नेता अमीर रावत द्वारा एक और नया घटस्फोट किया गया है, जिसमें विपक्ष नेता अमीर रावत ने उनके वकील किशोर पिल्ले के जरिए म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, मेयर केव रोकड़िया, डिप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हितेश पटेल तथा शासक पक्ष के भाजपा के नेता चिराग बारोट, शासक पक्ष के दंडक अल्पेश निम्बचिया को लीगल नोटिस देते हुए राजकीय माहौल में एक चर्चा का विषय बना है, जिसमें विपक्षी नेता अमीर रावत का कहना था कि प्रजा के टैक्स पेयर यानी कि रुपए से ही कायदे के विरुद्ध में जाकर महंगी गाड़ी और पेट्रोल का धुआं कर भाजपा के भ्रष्ट नेताओं द्वारा लाखों रुपए का खर्च जीपीएमसी एक्ट के नियम के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से किया गया है, उसकी रिकवरी और कानूनन कदम उठाने की मांग करते हुए लीगल नोटिस दी गई है। जीपीएमसी एक्ट का पालन करने के बीच कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, डिप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सत्ताधारी भाजपा के नेता और दंडक को गैर संविधानीय सुविधा जैसे कि कार, ड्राइवर, चाय, नाश्ते, विवेक का दिन खर्च की तमाम सुविधा आज से वापस देने के लिए बताया गया है। जीपीएमसी एक्ट के मुताबिक ये नेता ये सुविधा के हकदार नहीं है और उन्हें ये प्रकार की सुविधा के खर्च के लिए राज्य सरकार से पहले से ही एडवांस में मंजूरी लेनी पड़ती है। तत्काल रूप से तमाम सुविधा वापस लेने की मांग की गई है, वरना म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल के खिलाफ भी कानूनन कार्यवाही की जाएगी और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, वो भी दर्शाया गया है। दी गुजरात प्रोविंशियल म्युनिसिपल एक्ट 1939 के मुताबिक मानव वेतन फी तथा भत्ता के मुताबिक राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेकर कॉर्पोरेशन के हर एक काउंसिलर को कॉर्पोरेशन में ये कलम के मुताबिक तय किए गए नियमों को ठहराई जाता है, तो वही मानव वेतन फी तथा अन्य भत्ता दिए जाते हैं। ऐसे तम नियम विरुद्ध तमाम कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर ये तमाम सुविधा ली गई है, जो ये तमाम सुविधा तत्काल रूप से वापस लेने की मांग और उसके रिकवरी के रूपे भी लेने की मांग करते हुए आज तमाम को लीगल नोटिस देने के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया था। जीपीएमसी एक्ट सेक्शन 19 ए हेठळ फक्त मेयर ने डिस्क्रिशनरी ग्रांट नो परमिशन आपेली छे અને ચૂંટાયેલી પાંખને એવી કોઈ સત્તા નથી કે કોઈ કાઉન્સિલરને જે ગવર્મેન્ટ નક્કી કરે એના સિવાય એક રૂપિયાનો કોઈ એડિશનલ બેનિફિટ આપી શકે। આની કોઈ સત્તા જ જ્યારે જનરલ બોર્ડ પાસે નથી અને કોર્પોરેશનમાં ઓફિશિયલી જ્યારે ચૂંટાયેલા પક્ષના લીડરનું અને દંડકનું કોઈ પોસ્ટ જ નથી ત્યારે જીપીએમસી એક્ટના ઉપરવટ જઈ વડોદરા શહેરના ટેક્સપેયર્સના લગભગ 50 લાખ રૂપિયા એક વર્ષમાં વ્હીકલ્સ અને ચા પાણી નાસ્તામાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લીડર્સે ગેરબંધારણીય રીતે વાપર્યા છે આ બાબતે અમે અનેક વખત રજૂઆત કરી છે, પણ એને આ ખાડાકાંડ કરીને જીપીએમસી એક્ટનું જે છડેચોક ઉલ્લંઘન થાય છે અને જે ઇલીગલી આ ખર્ચા કોર્પોરેશનમાં બુક કરવામાં આવ્યા છે એની સામે આજે અમે લીગલ નોટિસ આપી છે। લીગલ નોટિસમાં ડિમાન્ડ કરી છે કે તાત્કાલિક આ જે ખર્ચા પાડવામાં આવ્યા છે એ જે તે વ્યક્તિ પર કર્યા હોય એની પાસે રિકવરી કરવામાં આવે। જે ગાડીઓ કોર્પોરેશનની વૈભવી 5-5 ગાડીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીઓ અત્યારે વાપરી રહ્યા છે એ તાત્કાલિક કોર્પોરેશનમાં જમા લેવામાં આવે અને હવે પછી આ જે ડિસ્ક્રિશનરી ગ્રાન્ટ છે એ બંધ કરવામાં આવે, કારણ કે આ બંધારણની બહાર છે, આવી કોઈ સત્તા જનરલ બોર્ડને છે જ નહીં અને જો આ નહીં કરવામાં આવે તો અમે મજબૂરીથી કોર્ટમાં લીગલ રાહે અમે આમાં ન્યાય લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું।